टॉय फैक्ट्री के तो टॉयज अमेजिंग है। क्यों ठीक कह रहा हूँ ना डोडो? ओरी मोरी मदर, बिल्कुल मन कर रहा है कि इनके साथ खेलना शुरू कर दूँ बिना कुछ खाए। अगर डोडो बिना कुछ खाए टॉयज के साथ खेलने की बात कर रहा है तो इसका मतलब है ये टॉयज है वन वर्ड में अमेजिंग। सन सिटी के इस नए टॉय फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है और इन टॉयज की स्पेशलिटी ये होगी कि वो टूटेंगे नहीं ताकि बच्चे आराम से खेल पाए। एक डेमो देखिए। अयो, ये खिलौने किसी चीज से बनाए जी? इसके सामने मेरा लोहे का स्पैनर प्लास्टिक के जैसा टूट गया जी। इस कार पे एक खरोश तक नहीं आई क्योंकि ये टॉयज एक स्पेशल मेटल से बने हैं। अरे वाह, इस फैक्ट्री में बने टॉयज तो सच में बहुत मजबूत हैं। इस तरह के टॉयज को टू वर्ड्स में कहते हैं बहुत खूब। बहुत खूब से भी बहुत ज्यादा खूब, सुपर डुपर खूब। चलो इसी बात पे कुछ बहुत खूब नट्स खा लेता हूँ। गेम ऑन। अब पीको के साथ गेम ऑन करें और एक्साइटिंग पावर मोड गेन करें। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया सेम तो डाउनलोड करें गेम गूगल प्ले पर उपलब्ध। ईश, इतने बढ़िया टॉयज को हम सन सिटी के बाहर एक्सपोर्ट करके सन सिटी के लिए काफी पैसा भी कमा सकते हैं। टोनी के मुख्य के आगे बड़े बड़े बॉयज ढेर हो गए तो ये चिंटू से टॉयज किस खेत की गाजर है? गाजर नहीं, वो मूली होता है। इसी बात पे मूली खा लेता हूँ। मुझे गाजर पसंद है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? टोनी, छोटी सी बात पे किसी को धमकाना रॉन्ग है। केको, लगता है आज तुम्हें भी अपने मुख्य की ताकत दिखानी पड़ेगी। वाओ, ये फाइटर टॉयज कितने रियल लग रहे हैं। हाँ हाँ, रियल से भी ज्यादा रियल, वेरी वेरी रियल। कुछ खा लेता हूँ। अच्छा तो देखो मैं कैसे इन्हें अपने मुक्के से अनरियल बनाता हूँ। हाँ? क्या ये फाइटर टॉयज एक्टिवेट कैसे हो गए? R7 की डेंजर लाइट ब्लिंक कर रही है, यानी ये टॉयज डेंजरस है। ओरी मोरी मदर, इन टॉयज को करना होगा वन वर्ड में स्टॉप। ईश, लगता है टॉयज की आर्मी ने अटैक कर दिया है। मम्मी बचाओ। बच्चों के झुंझुने से असली पिस्तौल को मात देने की हिम्मत खरगोश ने कर तो ली, मगर अब वो शेर की बर्थडे पार्टी में जाएगा कैसे? वाह सर, क्या बात कही है। नोट पैड में नोट कर लेता हूँ। मतलब ये सारी फाइटर कमांडो टॉयज गए कहाँ? कहने को तो वो टॉयज हैं, मगर इनकी किक्स की पावर बिल्कुल रियल लगती है। पता नहीं वो गए कहाँ होंगे। Hmm.
लगता है किक के साथ साथ मुझे ट्रिक भी लगानी पड़ेगी। लगता है इनसे निपटने के लिए अब मुझे सुपर स्पीडो को बुलाना ही पड़ेगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। डेडली खिलौनों ने सन सिटी पर हमला कर दिया है, हमें उनसे सन सिटी को बचाना होगा। कम ऑन किको, बच्चों के इन खिलौनों से डरने की क्या जरूरत है? मैं अभी इनकी बैंड बजाता हूँ। ओह नो, इन्होंने तो मेरी ही बैंड बजा दी। सुपर स्पीडो, जेट स्पीड लगा के निकलो यहाँ से। हम इनसे निपटने की तरकीब रास्ते में सोचते हैं। यू आर राइट किको, लेट मी एक्टिवेट माय जेट स्पीड। तो बाज ही नहीं आ रहे हैं, क्या करना है? जल्दी से कुछ सोचो। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 69। ओके बड़ी, फॉर्मूला 69 एक्टिवेट करके इनकी ईट का जवाब पहाड़ से दूंगा। ईट तो इतने छोटे से, ऊपर से फुल ऑन हाई स्पीड, किको इन्हें अपनी गन से शूट करना मुश्किल है। इन टॉय से बचने के लिए कोई और तरकीब लगानी पड़ेगी। सही कहा सुपर स्पीडो, लेकिन सबसे पहले हमें इनसे पीछा छुड़ाना होगा। पीछे खाई, किको जल्दी बताओ क्या करें? खिलौनों ने हम पे दोनों तरफ से हमला कर दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें? किको जल्दी से कुछ सोचो। किको, इस हालत में मैं कहीं भाग भी नहीं सकता, इंजन स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम जाएगा। हाँ, एक काम करो सुपर स्पीडो, एक्टिवेट फॉर्मूला नंबर 245। फैंटास्टिक आइडिया किको, अब देखना अपने वैक्यूम क्लीनर से मैं कैसे इनकी सफाई करूंगा। चुन चुन के निकल डालूंगा। अब बोलो, और कोई बचा है? हाँ, हिम्मत है तो सामने आओ। ओए ओए, ये क्या हो रहा है? किको, जिन फाइटर कमांडर टॉयज को मैंने वैक्यूम के जरिए खींचा था, वो मेरे अंदर जाके मेरे मशीन के पार्ट्स को खोल खोल के अलग कर रहे हैं। कुछ करो किको।
थम जाए रफ्तार, R7 में समा जाए सुपर स्पीडो कार। इन सब टॉयज को आखिर कंट्रोल कर कौन रहा है? Toys, let's play with boys. सुनिए मिस्टर, आप है कौन और चाहते क्या है? आई एम द ग्रेट टॉय मैन और मैं बस एक छोटी सी चीज चाहता हूँ। वो क्या? अपने डेडली टॉयज के जरिए दुनिया पे राज करना। उम्मीद है मुझे कि तुम्हें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुनो टॉय मैन, अपने टॉयज से तबाही मचा के दुनिया पे राज करना रॉन्ग है। लेकिन मुझे तो रॉन्ग काम करने में ही मजा आता है और लगता है अब तुम्हें भी टॉय मैन से टकराने का मजा चखाना ही पड़ेगा। टॉयज, लेट्स प्ले विद बॉयज। टॉय मैन अपने टॉयज को हेलीकॉप्टर में लगे कंसोल से कंट्रोल कर रहा है। मुझे किसी भी हालत में उसके हेलीकॉप्टर को तोड़ना होगा। बच्चे, ये घर पे देखने वाला मिरर नहीं है जिसे तुम अपनी छोटी छोटी टांगों से तोड़ सकते हो। ये मेरा बनाया अल्टीमेट स्ट्रॉन्ग ग्लास कवर है जिसे तुम जैसा छोटा तो क्या, बड़े से बड़ा हाथी भी नहीं तोड़ सकता। टॉयज, लेट्स प्ले विद बॉयज। बच्चे, अगली उछल कूद मचाने से पहले जरा इधर तो देख लो। यहाँ तुमने की एक भी हरकत, वहां गोलियां चलेगी खटाखट। टॉयज, लेट्स प्ले विद बॉयज। इस वक्त मुझे अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को पकड़वाना ही होगा। इन सबको सन सिटी के सबसे सेफ जेल में कैद करके दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद करूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे सन सिटी की लेटेस्ट टॉय फैक्ट्री में जाके जल्दी से अपना काम शुरू करना पड़ेगा। टॉय मैन के टॉय करेंगे सबको डिस्ट्रॉय। मम्मी, उस टॉय मैन ने तो पूरी सन सिटी पे कब्जा कर लिया। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि टॉय मैन आखिर उस टॉय फैक्ट्री से चाहते क्या है। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। यानी हमें अभी जो करना है उसे दो वर्ड्स में कहते हैं स्मार्ट प्लानिंग। एक आइडिया है सुपर स्पीडो, तुम्हें टॉय के शेप में बाहर आना होगा ताकि ये फाइटर टॉयज तुम्हारी इंजन के अंदर दोबारा ना घुस सके। नो प्रॉब्लम कीको, आई एम रेडी। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो, तुम्हें चुपके से सेल के बाहर लगे ताले को अपनी लेजर बीम से काटना है और फिर उन टॉयज का ध्यान बटाना है। तब तक हम लोग यहाँ से भागते हैं, ओके? यस ब्रो, समझो काम हो गया।
किशोर और ट्विंकल, तुम दोनों सबको किसी सेफ जगह ले जाओ। मैं सुपर स्पीडो की मदद करता हूँ। टॉयज के अटैक मुझे डैमेज कर रहे हैं, मगर मेरी लेजर बीम का उन पे कोई असर नहीं हो रहा है। लगता है स्कैन करके पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये किस मटेरियल के बने हैं। ओह नो! किको के कमांड्स के बिना मैं कोई एक्शन भी नहीं ले सकता। किको! इसमें थैंक यू की क्या बात है सुपर स्पीडो? आज तक तुमने ना जाने कितनी बार मुझे जमीन पर गिरने से बचाया है, आज ये मौका मुझे मिल गया। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 62 लगा के अपने रियल शेप में आ जाओ, फिर भागते हैं यहाँ से। ओके बड़ी। लेकिन इस बार हम नहीं भागेंगे, बल्कि वो टॉयज हमसे दूर भागेंगे। मैंने उन टॉयज को स्कैन करके पता लगा लिया है कि वो टाइटेनियम मेटल से बने हैं, और इसे मेरी अल्ट्रासोनिक बीम चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर सकती है। नाउ इट्स टाइम फॉर पेबैक। एक एक को भून डालूंगा। हेलीकॉप्टर भी गया। चलो अब अंदर चल के टॉय मैन को सबक सिखाते हैं। सही कहा किको, उन्हें सबक के साथ साथ राइट काम करना भी सिखाएंगे। लगता है टॉय मैन भाग गया। टॉय मैन भागता नहीं बल्कि भगाता है, और टॉय मैन के खिलौने खेलते नहीं बल्कि खिलाते हैं गोलियां। देखो टॉय मैन, हमने तुम्हारे सारे टॉयज डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम खुद को हमारे हवाले कर दो। ओह नो, किको, तुमने तो मेरे सारे प्यादे मार दिए, अब मैं क्या करूँगा? मैं तो डर गया, बहुत डर गया। लेकिन जो डर गया समझो वो अपने घर गया, और टॉय मैन का घर अब ये पूरी दुनिया बनने वाला है जब वो अपने इन नए खिलौनों से पूरी दुनिया पे राज करेगा। टॉयज, लेट्स प्ले विद बॉयज। डोंट वरी किको, इन टॉयज को भी मैं अपनी अल्ट्रासोनिक बीम से उड़ा दूंगा। ये टॉयज मेरे पुराने टॉयज से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये टॉयज इसी फैक्ट्री में बने हैं जिन पे तुम्हारे किसी भी वार का कोई असर नहीं होगा। लेकिन इनकी फायरिंग का तुम पे बहुत बुरा असर होगा। टॉयज, लेट्स प्ले विद बॉयज। किको, ये फाइटर कमांडो टॉयज फिर से मेरे सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सुपर स्पीडो जल्दी, फॉर्मूला नंबर 54। बड़े आए थे टॉय मैन से टकराने, मेरे टॉयज ने लगा दिया ठिकाने। टॉयज, लेट्स प्ले विद बॉयज। हाँ,
सुपर स्पीडो फॉर्मूला नंबर 090 लगाओ। ओके बड़ी। सुपर स्पीडो, खुद को ऑटो रिपेयर मोड में डालते हुए टॉयमैन का पीछा करो। ओके ओके बड़ी। एक्टिवेटिंग ऑटो रिपेयर मोड। पहले तबाही मचाऊंगा, फिर ये शहर हथियाऊंगा, क्योंकि बगैर डंडे का डर दिखाए गाय भी दूध नहीं देती। ये तो फिर भी सन सिटी है। Guys, let's play with boys. इस तरह तो टॉयमैन पूरी सन सिटी को बर्बाद कर देगा। हमें कुछ करना होगा। सुपर स्पीडो फॉर्मूला नंबर 325। ट्रीट आइडिया बड़ी। फॉर्मूला 325 एक्टिवेट करके सन सिटी की साफ सफाई करता हूँ। अब देखते हैं टॉयमैन क्या करता है। सुपर स्पीडो फॉर्मूला नंबर 817 एक्टिवेट करके मिसाइल से टॉयमैन का हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय कर दो। ग्लास तो सिर्फ हेलीकॉप्टर पे लगा है, फैंस पे नहीं। जल्दी फॉर्मूला नंबर 444। ओके डूड, मगर जरा संभल कर। ओह नो, मेरा हेलीकॉप्टर! अब मैं अपने टॉयज को कैसे कंट्रोल करूंगा? चूहे ने बिल्ली की मौसी को ठंडा दूध पिला के कंबल में लपेट के दे धनाधन किया। मतलब सर पहली में कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट। किको और सुपर स्पीडो, आज तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम दोनों के होते सन सिटी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो तो है मेयर अंकल, जब तक हम हैं तो नो टेंशन।